हेलो स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट चैप्टर इन टेक्स्ट बुक द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट द ऑथर फाउंड ए डेस्क ही बॉट इट फ्रॉम ए जंक शॉप एंड ही फाउंड ए लेटर इन इट एंड द लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर जैक पर्सन. ही वॉज एन आर्मी पर्सन. And the letter was written to her wife about the experiences of his war or field. Now today I am going to explain you about the third part. इसमें जो author है, जब उसने वो letter found किया था अपने desk में और उसको पढ़ा, उसके बाद उसने उस letter को वापस उस envelope में डाल दिया और पूरी रात सोचते रहा कि क्या करना चाहिए इसका. तो अगले दिन उसने सुबह उठ करके जो एड्रेस उस लिफाफे पर उस लेटर में लिखा हुआ था, उसकी जो मिस्टर मिसेस जैक पर्सन है उनका, वहाँ पहुँचता है वो और वहाँ जाकर के देखता है कि जिस घर का एड्रेस लिखा हुआ था वो पूरी तरह से बर्न हो चुका था, जल चुका था. और तो वो पड़ोस में किसी से पूछता है वहाँ पर कि यहाँ पर जो लेडी रहती थी वो कहाँ है. तो एक जो ओल्ड मैन था उस पड़ोस में, वो उसे बताता है कि वो लेडी यहाँ पर रहती थी और एक बहुत अच्छी लेडी थी वो, मगर उसका घर जल चुका था और उस समय वो घर में ही थी, मगर कैसे जैसे फायर ब्रिगेड वालों ने उनको बचा लिया था. आग कैसे लगी थी ये भी नहीं पता लगा, शायद इलेक्ट्रिसिटी से ना लग करके वो किसी कैंडल से लगी थी, क्योंकि ज़्यादातर वो कैंडल ही यूज़ करती थी, क्योंकि वो मानती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए वो कैंडल जला कर रखती थी. तो उस आदमी से वो एड्रेस लेकर के जिस नर्सिंग होम में वो लेडी थी, मींस मिसेस मैक पर्सन, उनके पास उस नर्सिंग होम में जाता है वो. नेक्स्ट पेज पे उससे पहले दो तीन क्वेश्चन आएंगे आपके पास कॉम्प्रिहेंशन वाले. तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट. ब्रिडपोर्ट क्यों जाता है ऑथर? तो जैसा कि हमें पता है कि वो लेटर में एड्रेस देख करके उस लेडी से मिलने जाता है, तो हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मिसेज मेक पर्सन नाउ एंड वेयर वाज सी. क्वेश्चन में पूछा है कि मिसेज मेक पर्सन की उम्र उस समय क्या थी. तो उस ओल्ड मैन ने बताई थी 101 or 2 ईयर्स उसने बताई थी और वो अभी नर्सिंग होम में है, ऐसा भी उस ओल्ड मैन ने बताया था ऑथर को. तो ऑथर उस नर्सिंग होम को आराम से ढूंढ लेता है, आराम से उसको मिल जाता है. और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो शायद उस दिन क्रिसमस का ही दिन था. और जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि जो नर्सिंग होम था उसको काफ़ी सजाया हुआ था, ट्रीज, क्रिसमस ट्रीज से, पेपर चैन से. और जो ऑथर है वो वहाँ पर उनसे पूछता है कि मैं मिसेज मेक पर्सन से मिलने आया हूँ, कहाँ पर मिलेंगी वो. तो जो मैरटन है वहाँ की, जो मतलब वहाँ पर देखभाल करती है उन सब की, वो उसे बताती है कि वो क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बूढ़ी थी और बीमार थी, इसलिए वो हम सब के साथ नहीं है. वो हमने सोचा कि उसे अकेले रेस्ट करने देना चाहिए, वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है. तो वो उसको ऑथर को जहाँ पर वो जिस रूम में थी वहाँ पर ले जाते हैं और उस लेडी के पास उसको ले जाते हैं. तो ऑथर देखता है कि वो लेडी एक चेयर पर बैठी हुई है अपने हैंड्स को फोल्ड किए हुए. तो ऑथर उससे बोलता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ और आपके लिए एक क्रिसमस का प्रेजेंट उपहार लेकर के आया हूँ आपके लिए, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देख करके. और वो लेटर वो मिसेज जैक पर्सन को मैक पर्सन को देता है. मिसेज जैक मैक पर्सन क्योंकि काफ़ी बीमार थी, कई देर तक उसकी बातें वो सुनती नहीं है, मगर जब वो उसका वो लेटर देखती है और उसके ऊपर अपने हस्बैंड का लिखा हुआ देखती है, तो शायद वो ये सोचती है कि वो ही मैक पर्सन है. और वो कहती है उससे कि मुझे पूरा भरोसा था कि आप वापस ज़रूर आओगे
आओ मेरे पास बैठ जाओ और वो कहती है कि तुम ही ये लेटर मेरे लिए पढ़ करके तुम अपनी ही वॉइस में मुझे ये सुनाओ और उसके बाद हम दोनों चाय पियेंगे और मैं तुम्हारे लिए केक भी बनाऊंगी। तो इस तरह से उस लेडी के लिए शायद ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। और लेसन से हमें कुछ ऐसा भी लग रहा है कि शायद जो मिस्टर मिस्टर जैक मैकपर्सन थे वो उस लड़ाई से वापस नहीं आ पाए थे और उनका ये लास्ट जो लेटर था वो वहीं रह गया था और ये ऑथर को मिला था और ऑथर ने इनको इनकी मिसेज को ला करके दिया था। तो इसमें एक दोबारा कॉम्प्रिहेंशन चेक आ रहा है तो हम इसको एक बार देखते हैं। हु डिड कनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वाज। कनी मैकपर्सन को क्या लगा कि जो उनसे मिलने आया वो कौन है। तो जैसा यहाँ पर अभी बताया था उसे लगा कि शायद वो उसके हस्बैंड ही हैं। नेक्स्ट विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। टेक्स्ट में से किस सेंटेंस से हमें ऐसा पता लग रहा है कि जो ऑथर हैं उसने अपनी आइडेंटिटी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की। तो जब उसने मैकपर्सन को वो लेटर दिया था तो उन्होंने बताया था कि मुझे ये लेटर एक डेस्क में जो मैंने खरीदी थी जंक शॉप से कबाड़ी की दुकान से उसमें मिला है। तो इससे पता लगता है कि वो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। तो आज के होमवर्क में आप जो इस पार्ट में दो कॉम्प्रिहेंसन आए हैं वो करेंगे और साथ में वर्ड मीनिंग लिखेंगे और लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो अपने बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका पीडीएफ भेजूंगा और कोशिश करना कि जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो आप बुक में अपने आप ही करें। थैंक्स।